Very good morning, kids. Welcome to Fun and Learn Home Learning. How are you? I hope you all are safe and fine. बच्चों आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट उसमें चैप्टर 17 क्लाउड्स उसकी पोयम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो ओपन योर मेरी गुड टेक्स्ट बुक. बच्चों आपने एग्जाम अच्छी तरह से लिखी होगी, सबने पेपर्स. ओके, तो ये पेपर्स आपको फिर स्कूल में देने आने हैं, राइट? सो आज अभी शुरू करते हैं चैप्टर 17 क्लाउड्स. ओके, तो बच्चे शुरू करते हैं पोयम क्लाउड्स. क्लाउड्स का मतलब क्या है? क्लाउड्स मतलब बादल. यहाँ पे आपको बादल देखने को मिलते हैं, है ना? तो क्लाउड्स का मतलब क्या है? बादल, जो आपको ब्लू कलर के स्काई में देखने को मिलते हैं, वो बादल. और यहाँ पे क्लाउड्स उसका प्लूरल है, तो बादलों. तो हम ये पोयम अभी शुरू करते हैं. इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू, अ लिटल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, मोर क्लाउड्स कम, दे ब्रिंग रेन, सिंग एंड डांस इट स्कूल अगेन. तो यहाँ पे लिखा है कि हॉट. यहाँ पे हॉट का मतलब क्या है बच्चों? हॉट मतलब गर्म, कि बहुत गर्मी है. स्काई इज ब्लू, आसमान कैसा है? ब्लू है. फिर इसमें लिटल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, एक छोटा सा बादल आता है. लिटल का मतलब है छोटा. वो बादल आता है, वो आपके सामने देखता है. मोर क्लाउड्स कम, बहुत सारे बादल आते हैं. दे ब्रिंग रेन, वो क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं. इट्स कूल अगेन, सिंग एंड डांस, सब नाचते हैं, गाते हैं. फिर से क्या हो गया? फिर से एकदम ठंडा हो गया, राइट? तो जब हम बारिश आती है, उससे पहले का मौसम यहाँ पे दिखाया गया है. तो बारिश आती है तब गर्मी होती है, तब फिर बादल, वो छोटा सा बादल आता है, फिर वो उसके पीछे पीछे बहुत सारे दूसरे बादल आते हैं, और वो सारे बादल साथ में मिलके क्या लाते हैं? वो बारिश लाते हैं. यहाँ पे बच्चों देख सकते हो कि ये बच्चे बारिश में कैसे अच्छे से नाच रहे हैं, खेल रहे हैं बारिश में. ये बच्चे फिर गा रहे हैं. सबको बारिश अच्छी लगती है ना? बारिश में नहाना सबको पसंद है. जैसे ये बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, आप ड्राइंग में देख सकते हो ये पूरा, ना? तो बारिश में नहाना तो सबको पसंद है. ये बच्चा देखो बारिश में क्या बना रहा है, ये छोटी सी नाव बना रहा है, और वो नाव को वो पानी में रख रहा है. बॉयज गर्ल्स सारे, तो आपको पसंद है ना बारिश में नहाना? तो बादल आते हैं, बारिश आती है, तब एकदम मौसम फिर ठंडा हो जाता है ना बच्चों? तो और बारिश के मौसम में हमें बहुत ही अच्छा लगता है. तो ये आपको ये पोएम हमारी यहाँ पे फिनिश होती है. तो हमने कौन कौन से इसमें न्यू वर्ड सीखे? तो उसमें न्यू वर्ड पहले है ब्रिंग. ब्रिंग का मतलब है लाना. फिर क्लाउड मतलब बादल. कूल मतलब ठंडा. डांस मतलब नाचना. हॉट मतलब गरम. रेन, रेन का मतलब क्या है बच्चों? बारिश, राइट? तो ये हमने न्यू वर्ड्स जो मैंने आपको सिखाए हैं, वो आपको नोटबुक में इसका रिपीटेशन करना है और राइट डाउन इन नोटबुक इंग्लिश, राइट? राइट डाउन इन इंग्लिश नोटबुक. अब ये सेंटेंसेस है, वो सेंटेंसेस में क्या लिखा है, चलो हम रीड करो मेरे साथ. ए, इट इज अ हॉट डे, कैसा गर्म दिन है. इट इज रेनिंग टूडे, के आज बारिश आ रही है, राइट बच्चों? इट इज रेनिंग टूडे, बारिश आ रही है. ओके, तो यहाँ पे आपका ये पोयम खत्म हो रही है. बच्चों आपको ये पोयम में मजा आया होगा, और आपको ये पोयम रीड करनी है और उसके न्यू वर्ड्स दिखने के हैं बच्चों. टेक केयर एंड बाय बाय.